टरवेंशनस रेफर टू वेरियस एक्टिविटीज़ विच आर कंसल्टेंट एंड क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ओडी इंटरवेंशंस बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कंसल्टेंट और क्लाइंट ऑर्गनाइजेशन परफॉर्म करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस जो तो है वो इम्प्रूव हो सो ओडी इंटरवेंशन

उनके वर्क ग्रुप्स को मैनेज कर पाएँ साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी मैनेज कर पाएँ सो वेरी सिंपली ओ डी इंटरवेंशनस को डिफाइन किया गया है कि वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा एक कंसल्टेंट एक्सटर्नल एजेंट है और जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन इज द क्लाइंट राइट द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द क्लाइंट दे परफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ये इंटरवेंशंस क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़े थ्रू एनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेम्बर्स ठीक है इनेबल करना ऑर्गेनाइजेशन मेम्बर्स को इनेबल करना ठीक है किस चीज़ के लिए इनेबल किया जाता है उनको कि बेटर वो मैनेज कर पाएँ अपने बिहेवियर को अपने वर्क ग्रुप को एंड द ऑर्गनाइजेशनल कल्चर फ्रेंच एंड बेल ने डिफाइन किया ऑर्गनाइज ओडी इंटरवेंशन को एज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटीज इन विथ सेलेक्ट ऑर्गनाइजे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की कुछ स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट सेलेक्टेड हैं सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जैसे कि जो भी टारगेट ग्रुप है जो भी यूनिट्स हैं सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एंगेज विद द टास्क और अ सीक्वेंस ऑफ टास्क तो दे एंगेज इन अ टास्क एक टास्क में या इन अ सीक्वेंस ऑफ टास्क दे एंगेज इन अ टास्क और अ सीक्वेंस ऑफ टास्क वे द टास्क गोल्स आर रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ऑर्गनाइजेशनल एम्पावरमेंट यहाँ पर बेसिकली ओ डी इंटरवेंशनस कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है वो एंगेज करती है उनका टास्क क्या है या सीक्वेंस ऑफ टास्क क्या रहता है कि यहाँ पर टास्क गोल्स uh, को पूरा करना आर डायरेक्टली okay? <coughs> और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एम्पावरमेंट ओके और इम्प्रूवमेंट सेट ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी ओ डी इंटरवेंशन आर सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ इन विच सिलेक्टेड ऑर्गनाइजेशनल यूनिट एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज का सेट जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं टारगेट ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल्स हैं वो इंगेज करते हैं विद अ पर्टिकुलर टास्क और अ सिक्वेंस ऑफ टास्क विद द टास्क गोल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट्स ठीक है नेक्स्ट वी टॉक अबाउट की फ्रेंच एंड बेल ने सजेस्ट की बहुत सारे uh, मतलब अलग अलग प्रकार की ये इंटरवेंशन जैसे डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन है टीम बिल्डिंग है सर्वे फीडबैक है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उनको एजुकेट किया जाए ट्रेन किया जाए देन मैनेजीरियल ग्रेड इज़ वन प्रोसेस कंसल्टेशन है ठीक है ओके डायग्नोस्टिक टीम को बढ़ाना टीम बिल्डिंग इंटर ग्रुप एक्टिविटीज़ की उनके जो जो भी ग्रुप्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनके एक्टिविटीज़ को बढ़ाना इंटर ग्रुप एक्टिविटीज़ सर्वे फीडबैक लेना उनसे एजुकेशन ट्रेनिंग करवाना उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग हो मैनेजीरियल ग्रोड प्रोसेस कंसल्टेशन भी एक तरह के इंटरवेंशन है कोचिंग एंड काउंसलिंग उनको कोच करना काउंसलिंग प्रोवाइड करना देन करियर प्लानिंग ठीक है उनका करियर प्लान करना देन प्लानिंग एंड गोल सेटिंग एक्टिविटीज़ प्लान करना गोल्स को सेट करना ठीक है नाउ ट्रेडिशनल अप्रोचेज में आ जाती है जैसे लेबॉर्टरी ट्रेनिंग लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग अप्रोचेज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की दे हैव टू मेजर टेक्निक्स जो अभी हम पढ़ेंगे पहले हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे फिर ग्रेड ट्रेनिंग पे आएँगे ठीक है लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग है ये लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की एंड वी कॉल दैम द ट्रडिशनल अप्रोच ओके ना लेट्स मो वॉन्ट टू सेंसीटिविटी ट्रेनिंग सेंसीटिविटी ट्रेनिंग जिससे कि टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं टी सॉरी टी ग्रुप भी कहते हैं टी फॉर ट्रेनिंग ग्रुप इट इट्स एन अप्रोच दैट इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप डायनमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ट लेविन ये ऐसी अप्रोच है जो कि इवॉल्व हुई है जो कर्ट लेविन का कॉन्सेप्ट है ग्रुप डायनमिक्स का उसके थ्रू बेने लिपिट एंड ब्रैंडफॉर्ड ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्निकविटी ट्रेनिंग पहली बार सेंसिटिविटी ट्रेनिंग सेशन 1946 में स्टेट टीचर्स कॉलेज में न्यू ब्रिटेन यूएसए में हुआ था लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है एक स्मॉल ग्रुप लिया उनके बीच में इंटरेक्शन करवाई इंटरेक्शन का प्रोसेस करवाया और वो होगा अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर नहीं अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा बिच रिक्वायर्स पीपल अब इसमें होता क्या है लोग सेंसिटिव बनते हैं दूसरों की फीलिंग्स की तरफ इन ऑर्डर टू डेवलप रीजनेबल ग्रुप एक्टिविटी और फिर इस इस ट्रेनिंग को कराया जाता है ताकि रीजनेबल ग्रुप एक्टिविटी करा जा कराई जा सके उन लोगों के uh, बीच में राइट सो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज़ अ स्मॉल ग्रुप इंटरैक्शन प्रोसेस इन एन नॉन्ट्रक्चर फॉर्म विच रिक्वायर्स पीपल टू बिकम सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स इन ऑर्डर टू डेवलप रिजनेबल ग्रुप एक्टिविटी विद इन दैम एंड इसका वाइड एप्लीकेशन है वैरायटी ऑफ ग्रोथ साइकोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं एजुकेटर्स चिल्ड्रन यूथ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है नर्सिस यूज़ करते हैं सोशल वर्कर्स रिलीजियस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनर कंसल्टेंट्स भी यूज़ करते हैं इनको एक्जिकटिवस भी यूज़ करते हैं सो वाइडली यूज होता है साइकोथेरेपस्ट द्वारा और एजुकेटर्स यूज़ करते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वर्कर्स नर्सेस सोशल वर्कर्स यूज़ करते हैं जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग रिलीजियस वर्कर्स यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज़ किया ट्रेनर कंसल्टेंट्स द्वारा यूज़ किया जाता है एग्जीकटिव के द्वारा भी यूज़ किया जाता है चिल्ड्रेन यूथ एडल्ट सब पे एप्लीकेबल है ये स्टूडेंट्स सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है इसका फोकस ये रहता है कि खुद के बारे में अवेयर किया जाए रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल रिएक्शंस एंड एक्सप्रेशन इन वन सेल्फ एंड अदर मतलब अपने खुद के इमोशनल रिएक्शंस जानना और दूसरों के भी इमोशंस को एक, आ, मतलब एक्सप्रेशंस को समझ पाना दूसरों के इमोशंस की तरफ भी सेंसिटिविटी बता जान पाना उनकी सेंसटि सो so, ऑब्जेक्टिव पहला है सेल्फ अवेयर होना पार्टिसिपेंट्स को इंक्रीजिंगली अवेयर कराया जाता है टू द इमोशनल रिएक्शन दैट दे आर फेसिंग इन दैम आल्सो ऑल्सो एंड दूसरों के भी ठीक है रिकॉग्नाइज इमोशनल रिएक्शंस एक्सप्रेशन इन मन सेल्फ एंड इन अदर्स सेकेंड इज एम्पति अकाउंटेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एक्शन थ्रू अटेंशन टू मन ओन फीलिंग्स एंड दैट्स ऑफ अदर्स दूसरी एम्पथी है अकाउंटेबिलिटी है अपने एक्शंस uh, की यू नो अकाउंटेबिलिटी ले पाना अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माय एक्शन थ्रू अटेंशन टू वंस एंड अदर्स फीलिंग्स आल्सो, एम्पथी और अकाउंटेबिलिटी डेवलप करना कि आप कॉन्सिक्वेंसेस जान पा रहे हो ऑफ़ द एक्शंस ऑफ अदर्स मतलब दूसरों के नहीं, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पा रहे हो थ्रू अटेंशन कि उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है आप में और दूसरों की फीलिंग्स में भी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन थ्रू अटेंशन टू वन एंड एन फीलिंग देन इज वैल्यू क्लैरिफिकेशन डेवलप पर्सनल वैल्यूज़ अलाइंड विद डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच वैल्यू क्लैरिफिकेशन यानी कि कुछ ऐसी पर्सनल वैल्यूज़ बनाना या जो कि डेमोक्रेटिक और सोश साइंटिफिक अप्रोच के साथ चले ठीक है अलाइंड हो सो वैल्यू क्लैरिफिकेशन इज डेवलपिंग पर्सनल वैल्यूज अलाइंड विद डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच राइट पर्सनल वैल्यूज़ ऐसे बनाना जो डेमोक्रेटिक साइंटिफिक अप्रोच पे निर्भर हो वैल्यू क्लैरिफिकेशन देन इज बिहेवियरल इफेक्टिवनेस एनहेंस पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम्स बिहेवियल इफेक्टिवनेस बनाना उनमें कि वो उनबिलिटी बढ़ाना कि वो किसी भी आउटकम को डिज़ायर्ड uh, आउटकम्स को अचीव कर पाएँ एनहैंस पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम दैट इज़ बिहेवियल इफेक्टिवनेस एंड लास्ट इज इंटीग्रेटेड पर्सनल ग्रोथ अलाइनिंग पर्सनल वैल्यूज गोल्स एंड एक्शन विद द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट ठीक है जो अपनी तो पार्टिसिपेंट्स की एबिलिटी uh, मतलब पार्टिसिपेंट्स को उनकी पर्सनल वैल्यूज़ को अलाइन करना उनके गोल्स को अलाइन करना एक्शंस को अलाइन करना सिचुएशन की रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ठीक है इंटीग्रेटेड पर्सनल ग्रोथ का मतलब है अलाइनिंग द पर्सनल वैल्यूज़ एक्शंस विद सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स ठीक है गोल्स विद द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स